सुंदरवन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। टुनटुनी बचपन से ही बहुत ही नटखट थी, लेकिन उसकी बहन लूसी कबूतरी शांत स्वभाव की थी। एक दिन सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया के घर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ टूनी चिड़िया जल्दी बाहर निकल, देख तेरी बेटी ने क्या किया। सुंदरी कौवी की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। क्या हुआ सुंदरी बहन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देख टुनटुनी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। जरा सी बात पर टुनटुनी ने इसे इतना मारा है कि ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अपनी बेटी को समझा दे, नहीं तो उसे लेकर कहीं और चली जा। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी बहन, बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। देखना अभी थोड़ी ही देर में दोनों फिर से खेलने लगेंगे। मेरी बेटी थोड़ी नटखट है, जरूर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कुछ कहा होगा, तभी उसने उसे पीटा होगा। अभी टुनटुनी घर पर नहीं है, मैंने उसे अभी अभी बाजार भेजा है कुछ सामान लाने को। थोड़ी देर में वो आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद जब टुनटुनी घर लौटती है तब टूनी चिड़िया उसे समझाती है। टुनटुनी चिड़िया तू इतनी शरारत क्यों करती है, तेरी वजह से मुझे रोज पक्षियों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब बता तूने सुंदरी कौवी के बेटे को क्यों मारा? माँ उसने गाली दी इसलिए मैंने उसे पीट दिया। टुनटुनी चिड़िया तू शरारत बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा बाहर निकलना बंद कर दूंगी। टुनटुनी ने अपनी माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की बहन लूसी कबूतरी बर्तन मांज रही थी, तभी टुनटुनी को एक शरारत सूझती है। वो झाड़ू लेकर फर्श की सफाई करने लगती है और सारे बर्तन पर धूल डाल देती है। ये देखकर लूसी कबूतरी चिल्लाने लगती है, अरे टुनटुनी चिड़िया तुझे दिख नहीं रहा कि मैं बर्तन मांज रही हूँ? सारी धूल तूने बर्तन पर डाल दी, अब मुझे बर्तन फिर से मांजने पड़ेंगे। तू ठहर, मैं अभी माँ से तेरी शिकायत करती हूँ। माँ देखो टुनटुनी ने सारे साफ बर्तन में धूल डाल दिया। अपनी माँ के डर से टुनटुनी चिड़िया जाकर कमरे में पढ़ाई करने लगती है। तभी हाथों में डंडा लिए टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। आज मैं तेरी पिटाई ऐसी करूंगी कि तू आगे से शरारत करना भूल जाएगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। दर्द से टुनटुनी चीखने लगती है, माँ माँ मुझे छोड़ दो, माँ आगे से मैं कोई शरारत नहीं करूंगी। डंडा फेंक कर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, मैं इस लूसी की बच्ची से बदला लेकर रहूंगी, इसने मुझे माँ से पिटवाया है, अगर मैंने इसे ना पिटवाया तो मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया नहीं। वो मौके का इंतजार करने लगती है। एक दिन लूसी कबूतरी खाना बना रही थी, टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। अरे ओ लूसी, माँ तुझे बुला रही है। जैसे ही लूसी कबूतरी वहाँ से जाती है, टुनटुनी चिड़िया सब्जी में बहुत सारा लाल मिर्च मिला देती है। उसकी ये हरकत टूनी चिड़िया देख लेती है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं कल ही तेरा एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा देती हूँ। तू दिन पर दिन बहुत नटखट होती जा रही है, अब वहीं जाकर शरारत करना। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनते ही टुनटुनी रोने लगती है। माँ इस बार मुझे माफ कर दो, मैं आगे से अब कोई शरारत नहीं करूंगी। तू हर बार यही कहती है टुनटुनी चिड़िया, लेकिन फिर शरारत करना शुरू कर देती है। तब लूसी कबूतरी कहती है, माँ इस बार मेरे कहने से टुनटुनी चिड़िया को माफ कर दो, ये अब से कोई शरारत नहीं करेगी। ठीक है लूसी, मैं तेरे कहने से इसे छोड़ दे रही हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया शरारत करना छोड़ देती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।